असलमज़ीज़ हम बदन चौदह और पंद्रह मार्च पे जो कुछ भी हमारे मुल्क में हुआ जो हमारे लीडर पे, हमारे लोगों पर हुआ जो जुल्म जो तशद उस सब के बाद मज़ीद हमारे पार्टी के बारे में हमारे लोगों के बारे में प्रोपागेंडाज हुए जो प्रोपागैंडा की रिपोर्ट आई हैं मेरे सामने उनके बारे में कुछ बातचीत करूंगी कुछ तज् करूंगी कुछ सवाल पूछूंगी तो सबसे पहले सबसे पहले बात करते हैं उस ऑडियो लीक की जो कि मुबैना तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद और डॉ आरिफ अलवी के दरमियान एक फोन कॉन्वर्सेशन के बारे में हुई तो देखिए मुझे नहीं पता कि वो कितनी सही है कितनी नहीं है मेरे नज़दीक तो उसका फॉरेंसिक होना चाहिए कि पता भी चले कि वो क्या है और क्या नहीं है क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस वक्त जबकि ये सारा के सारे दुनिया के न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों का सवालात हैं पाकिस्तान के लोग बात कर रहे हैं कि इतना ज्यादा जुल्म एक ही मुल्क के हमारे ही मुल्क के पुलिस हमारे ही मुल्क के रेंजर हमारे ही मुल्क की जो सिक्योरिटी है जो वो अपने मुल्क के लोगों का तहफ़ करना चाहती है वो अपने ही लोगों पर किस तरह कर सकती है तो जब इतने सवाल उठ रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में दूसरे ममालिक में इस बारे में बात हो रही है कि क्या ज़ाहिर खान साहब का स्टेचर सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ अपने मुल्क में मशहूर हैं वो माशाल्लाह पूरी दुनिया के एक बहुत ही बड़े बहुत ही मशहूर एक सेलेब्रिटी हैं तो जाहिर है कि उनके बारे में पूरी दुनिया में बातचीत हो रही है तज़िया हो रहा है कि इस कदर उनके साथ जुल्म क्यों हुआ इस तरह का गैर कानूनी किस्म के इकदाम जो उठाए गए जमान पार्ट में तो उसके ऊपर से शायद ये सारा कुछ एक डिस्ट्रैक्शन करने के लिए हो रहा है और अगर नहीं और अगर फर्ज कर लेते हैं कि यह फोन कॉल बिल्कुल सही है बिल्कुल दुरुस्त है और इसी तरह की बातचीत हुई है तो मेरा सवाल यह है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के हमारी अफवाज के जो सुप्रीम कमांडर हैं हमारे मुल्क के सदर हैं उनके प्राइवेट टेलीफोन कॉन्वर्जेस को रिकॉर्ड होना न सिर्फ रिकॉर्ड होना बल्कि लीक होना यह बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की और इंटेलिजेंस का लैप्स है बहुत बड़ा जिसकी वजह से हमारे मुल्क की हमारे मुल्क की इंटेग्रिटी पे हमारे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक सवाल यह निशान उठता है क्योंकि हमारे यहाँ की जो आ, हमारी जो इंटेलिजेंसिया है उसके बारे में तो कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंसिया में से एक है तो सवाल ये है कि अगर इस तरह की का काम हुआ और फिर इस तरह से ये सारा कुछ लीक हो गया है तो ये इनकॉम्पटेंस थी या कम्पलसेंस थी मतलब ये कि क्या इस काबिल नहीं थे लोग कि अपना काम सही करते या जान बूझ के काम में कोताही हुई है आय देवे मेरा नजदीक जो है वो ये बहुत बड़ा ट्रीजन है हाई ट्रीजन है बल्कि जिसका मतलब है कि आर्टिकल सिक्स के मुताबिक इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिस किसी ने ये रिकॉर्ड की जिस किसी ने लीक की जिस किसी ने इसको रिपोर्ट किया उन सब के ऊपर जो है ये ट्रीजन की कार्रवाई होनी चाहिए तो ये तो थी पहली बात अच्छा जी फिर आ जाते हैं हम पेट्रोल बम के बारे में क्योंकि जो उसके बारे में बड़ी बातें सुनी गई कि पेट्रोल बम फेंका गया पेट्रोल बम था भी या नहीं था पेट्रोल बम अगर फेंका गया तो किसकी तरफ से फेंका गया किस किस्म के सबूत हैं इस बात के तो चलें कुछ सवाल मैं आपसे ये पूछती हूं बाकायदा गोलियां चलें हमारे पास स्ट्रीट फायर की रिकॉर्डिंग्स हैं उसके वीडियोस हैं उनकी तस्वीरें हैं हमारे पास एविडेंस है हमारे पास जो शेलिंग हुई है जो शेल्स गिरे हैं उनके हर तरह के चाहे वो एक्सपायर्ड टेयर गैस के हों चाहे जो भी कुछ हो हुआ हो उन सब की शहादतें उन सब के बारे में uh, हमारे पास एविडेंस मौजूद है लेकिन इस पेट्रोल पम्प को किसने होते हुए देखा फटते हुए देखा कितने लोग सामने आए जिन्होंने ये बात बताई इतनी वीडियोस रिलीज हुई एक वीडियो है जो बार-बार सामने आ रही है तो चलें उसके भी बारे में बात कर लेते हैं कि जो वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हो रही है वो वीडियो लाल मस्जिद पे जब अटैक हुआ था जब लाल मस्जिद का घेराव हुआ था उस वक्त की वीडियो है उस वक्त जो उस वक्त की फौज और रेंजर्स थे उन्हीं के लोगों का फेंका हुआ वो पेट्रोल बम था जो कि उस वक्त के लिए उस वक्त रिकॉर्ड हुआ था बड़ी अजीब सी बात नहीं है ये कि अगर अलजली ये जो पेट्रोल पंप था अगर ये था तो ये भी उसी वक्त हुआ वाक जब रेंजर्स एक दफा पिक्चर में आ गए उससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ सोचिए सवाल पूछिए लेकिन इन सारे प्रोपोगेंडर्स और इन सारी जो अफवाहें और खबरें आई हैं इनमें सबसे ज्यादा तकलीफ दे और सबसे ज्यादा खतरनाक जो बात है वो है हमारे पश्तून भाइयों के खिलाफ जो एक साजिश साजिश हो रही है एक मुहिम चल रही है बाकायदा इसको एक फिका वारानियत का एक रेसिजम का एंगल दिया जा रहा है यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी सोची समझी स्कीम के तहत पश्तून भाइयों को हमारे हमारे गिलगित बल्किस्तान के लोगों को किसी तरह के दहशत गर्द करार दे दिया जा रहा है ये बहुत ही कोई मेरे ख्याल में तकलीफ दे बात है क्योंकि पिछले कई सालों से बल्कि दो हजार तो एक में जो वॉर ऑन टेरर शुरू हुई उससे लेके और आज तक ये लोग जो हैं ये एक एक पराई जंग की वजह से हमेशा तकलीफ में रहे इनको हर तरफ से बमबारी का सामना करना पड़ा ये इतना पिसे कि जो यहां से ड्रोन अटैक्स होते थे और वो जो दूसरी तरफ वहां से जो अफगान से जो तालिबान हमला करते थे वो सबके बीच में हमारे ये भाई पिसते रहे पिस्ते रहे पिसते रहे पिस्ते रहे जी ये खान साहब को सपोर्ट करते हैं और ये खान साहब को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये पहले खान साहब ऐसे लीडर थे ऐसे पाकिस्तानी थे जिन्होंने इनको ओन किया जिन्होंने इनके इनके हकूक दिलाने के बारे में बात की जिन्होंने इन दुनिया को बताया कि ये भी इंसान है इनको कोलाट्रल डैमेज नहीं कह सकते जब इनके लोग मरते हैं तो ये भी हमारे लोग हैं तो जाहिर है क्यों ये खान साहब की तरफदारी नहीं करेंगे लेकिन पाकिस्तानियों ये बात याद रखना कि जो कुछ इस वक्त पश्तून के पश्तूनों के साथ हो रहा है वही कुछ उन्नीस सौ सत्तर और इकहत्तर में उस वक्त यही सारा कुछ जो है वह हमारे बंगलादेशी भाइयों के साथ भी हुआ इसी तरह से नस्ली और फिका किया गया उस हिसाब में डिवाइसिवनेस करी गई और ये सिचुएशन के वक्त भी आप याद रखिए कि एक तरफ जनरल अयूब जनरल याया थे दूसरी तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे उस वक्त भी जो पाकिस्तान के उस वक्त जॉइंट पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी के लीडर थे वो शेख मुजीब रहमान थे उनके साथ क्या हुआ और बांग्लादेशियों के साथ क्या हुआ देखिए पाकिस्तानियों में आपको हमेशा ये बताती हूँ कि हिस्ट्री रिपीट इत तारीख अपने आप को दोहराती है और जो लोग तारीख से सबक नहीं सीखते अपनी गलतियों को नहीं सुधारते वो उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराते हैं हमने अपना आधा मुल्क खो दिया है क्या हम ऐसा दोबारा होने देंगे कम से कम मैं तो नहीं मैं अपनी हर सांस के साथ अपने कायद अपने इमरान खान के साथ और अपने पाकिस्तान के साथ खड़ी हूं और आप पाकिस्तान जिंदाबाद